नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजस्थान सरकार ने मंगराली की डाड़ी निवासी किसान की जमीन नीलामी को किया रद्द। चमू में राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजाना ने न्यायालय सहकारिता विभाग द्वारा न्यायिक आदेश जारी करते हुए मांगरा वाली डाड़ी निवासी ओम प्रकाश यादव एवं गुलजारी लाल यादव की राय सिंह का वास स्थिति जमीन नीलामी को रद्द घोषित कर दिया है। बता दें, लंबे समय से विवादों एवं चर्चा में रही इस नीलामी प्रक्रिया के संबंध में मंत्री उदयलाल अंजना ने अपने निर्णय में किसान की जमीन नीलामी को गलत मंशा से की गई करार देते हुए नीलामी अवैध घोषित कर रद्द के आदेश दिए हैं। दौरान आदेश में कहा गया है कि सहकारिता बैंक का उद्देश्य किसानों को ऋण उपलब्ध करवाकर उनकी सहायता करना है, न कि कर्ज न चुकाने की स्थिति में उन्हें भूमिहीन बनाना है। वहीं इस पूरे प्रकरण में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रोफेसर सीबी यादव ने बताया कि बैंक अधिकारियों ने साजिश के तहत भूमाफिया भूमालिक किसानों को अंधेरे में रखकर रातों रात नीलामी की है। 3 करोड़ से भी अधिक की जमीन को मात्र 21 लाख रुपए में नीलाम करके किसान को भूमिहीन कर दिया है। साथ ही कहा कि सरकार ने किसान संगठनों की मांग को स्वीकार करते हुए नीलामी को रद्द किया है, जिसके लिए भारतीय किसान यूनियन ने सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी।